हरियाणा के फरीदाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें तिकोना पार्क के समीप एक युवक की पीट पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसके बाद सुबह सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिला। सूचना के बाद पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बेटे की हत्या के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं CIA और फॉरेंसिक टीम भी मामले में जांच करके घटनास्थल पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सी ब्लॉक निवासी 26 वर्षीय अजय के रूप में हुई है, जो कि रात को अपने घर से किसी के पास रुपए लेने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद वो घर वापस ही नहीं लौटा। वहीं पुलिस की माने तो उन्हें वहां एक और युवक गंभीर हालत में मिलता था, जिसे वो अस्पताल में भर्ती करवा चुके हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि दोनों युवक के पीट पीट कर ऐसी हालत की गई है। चोट आई है, दो लोगों को घायल किया गया था, जिसकी एक में एक मौत हो गई। क्या मामला था, क्या जांच हो रही है? हमारे पास सुबह भी प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति काफ़ी गंभीर हालात में यहाँ पर पड़े हुए। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो प्राथमिक तौर पे हमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति मृत है और एक व्यक्ति काफ़ी घायल अवस्था में यहाँ पर है। उसके बाद हमने घायल व्यक्ति को टीके पहुँचाया गया, जिसे आगे सफदरजंग रेफर कर दिया गया। दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त करी गई। शिनाख्त करने के बाद दूसरे व्यक्ति जो मृत था उसकी शिनाख्त अजय सन और राकेश दो नंबर निवासी के रूप में हुई। अभी जाँच जारी है और कार्रवाई तो पता चला सर, दूसरे का नाम पता है, लेकिन अभी हम एंटीसीडेंट वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या है। बाकी प्राथमिक तौर पर हमने उसकी पुलिस हमें जांच नाम पता लग चुका है, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। कोई निशान यहाँ पर मिला? चोटों के जो निशान थे, कुछ पत्थर वगैरह मिले हैं जिससे मारा गया? कुछ चीज़ें मिली हैं, वो मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट आई हुई है, उसके द्वारा साक्ष्य और क्राइम सीन इंस्पेक्शन की जा रही है। जो जो डायरेक्शन देंगे उसके अंदर पुलिस कार्रवाई की। वजह अभी जाँच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं CIA और फॉरेंसिक टीम इस हत्याकांड की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फरीदाबाद से नील राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।